बूथ में अगर विपक्षी पार्टियों की जमानत नहीं बनाई तो मैं समझता हूं हम लोग को आने वाली पीढ़ियां भी माफ नहीं करेंगी। ये सोच करके आपके यहां से जाना है। वीरभूमि वाले हम लोग हैं, जात बिरादरी की जो बीच में जो मतभेद की दीवार होती है उसको महोबा ने हमेशा तोड़ा है। सब लोग एक मात्र एक फोटो है, आज हम लोगों को महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है और 20 तारीख को आने वाले वोटिंग के दिन एक एक वोट डालना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालना है। साथियों, इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी भाड़ी को प्रणाम देता हूँ। एक बार बोलिए जय जय श्री राम। त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा के प्रतीक गोरक्षा पीठाधीश्वर परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के बीच में आज यहाँ विराजमान है, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और इस वीरभूमि महोबा में आज उनका ये सातवीं बार दौरा है। आला उद्धव की वीरता को कौन विस्मृत कर सकता है। बुंदेलखंड तो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है। हरेक जनपद में, हरेक कस्बे में, गांव गांव में यहां पर वीरत्व तो फूटता है, दिखता है। और इसलिए अपनी पौराणिक, ऐतिहासिक और वीर वीरांगनाओं की धरती को कोट कोट नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आज माघी पूर्णिमा है, संगम में स्नान हो रहा है और साथ ही साथ आज संत शिरोमणि रविदास जी की भी पावन जयंती है। मैं मध्यकाल में पूरे भारत को आलोकित करने वाले मन चंगा तो कठोती में गंगा का आह्वान करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं प्रातः काल उनकी जन्मभूमि काशी के श्री गोवर्धन में गया था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश से। मैंने सुबह का लंगर वहीं पे लिया और फिर वहीं से मैं हमीरपुर होते हुए आपके इस महोबा में आया हूं। भाइयों बहनों, जब मैं महोबा की बात करता हूं तो सचमुच मुझे बार बार ये पंक्तियां याद आती हैं कि बड़े लड़ैया महोबे वाले हैं, इनकी मार सही न जाए। अब वक्त आ गया है इसको दिखाने का। भाइयों बहनों, जिन्होंने बुंदेलखंड की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, उन लोगों को जवाब देने का अवसर आ गया है कि आप अपनी वोट की चोट से उनको कितना तरसाइए कि दशकों तक वे और उनकी आने वाली खानदान उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर चली जाए। हर घर नल की योजना साकार हो रही है आपके यहां, हर गांव में हो रही है, हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाएंगे। केवल पाइप पेयजल नहीं है, ये आरओ का पानी एक एक घर में पहुंचाएंगे और महोबा का नौजवान स्वस्थ और पुष्ट होकर के देश की सुरक्षा के लिए फिर से अपने ओज और वीरत्व के साथ आगे बढ़ेगा।